भारत के नागरिकों के अधिकार को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी कानून और संविधान की है। एक नागरिक यदि अपने अधिकारों का हनन होता देखे तो वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका यानी रिट दायर करके इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 5 तरह की याचिकाएं हैं, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस भी शामिल है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है और इस याचिका को किन परिस्थितियों में दायर किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं माय लॉर्ड, जहां आपको मिलती है आपके काम के नियम और कानून की जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। भारतीय संविधान के तहत दी गई 5 याचिकाओं में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके जरिए अवैध रूप से की गई गिरफ्तारी यानी इलीगल डिटेंशन और इम्प्रिजमेंट के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस याचिका के फाइल होने पर अवैध रूप से हिरासत में लेने वाले व्यक्ति या अथॉरिटी द्वारा गिरफ्तार शख्स को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस याचिका के आधार पर अदालत यह तय करती है कि उस आदमी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत इसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए एक शख्स को हिरासत में होना जरूरी है। जो हिरासत में है उसके रिश्तेदार इस याचिका को दायर कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक अनजान शख्स द्वारा सार्वजनिक हित में भी फाइल किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जब आप बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर नहीं कर सकते। इन हालातों में अदालत आपकी इस याचिका को खारिज कर देगा। अगर आपने एक ऐसे शख्स या अथॉरिटी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है जो उस अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, तो अदालत इसे रद्द कर देगी। अगर शख्स को अदालत के फैसले के तहत हिरासत में रखा गया है तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर नहीं किया जा सकता। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के पास भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक मामला आया था, जिसे जस्टिस शमीम अहमद ने रद्द कर दिया था। ये मामला 2 बच्चों की कस्टडी का था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि बच्चों की कस्टडी को लेकर फैसला लेने के लिए माता पिता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण की पूरी जानकारी मिल गई होगी। नियम और कानून की ऐसी जानकारी पाने के लिए आप बने रहें माय लॉर्ड के साथ।